المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. तमाम तारीफ़ें परवरदिगार ख़तीजा ताहिरा के लिए, तमाम हदिया दुरूद व सलाम ज़ात ख़तीजा ताहिरा शोहर नामदार ख़तीजा ताहिरा बिन्त ख़तीजा ताहिरा दामाद ख़तीजा ताहिरा और औलाद बिन्त ख़तीजा ताहिरा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वजअलना वइयाकुम لِسَأْرِهِ مَأْوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ रोज़े वफ़ात ख़तीजा ताहिरा की मुनासिबत से ताज़ियत पेश करते हैं ख़िदमत ख़ानदान रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में, और रोज़े ताज़ियत और रोज़े तस्लीद के एतबार से अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं: परवरदिगार, हम सबको ख़तीजा ताहिरा की शफ़ाअत नसीब फरमाए। जो हक़ ताज़ियत है वो तो अदा नहीं कर सकते, परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अज़ा को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। ख़तीजा ताहिरा के नाम की बरकतों के साथ और उनकी इस्लाम से अजीम मोहब्बतों के साथ मुनाजात खमसता अशर ख़तीजा ताहिरा की बेटी की औलादों में से इमाम सैयद सज्जाद, जो कभी अपना फ़ख्र बयान करते थे दरबार यजीद में खड़े होकर कि मैं कौन, जिसकी दादी जद्दा ख़तीजा ताहिरा है। कभी करबला के मैदान से मौला हुसैन की आवाज़ के पहचानते हो मुझे मैं कौन, कभी बिस्तर ज़रबत से मौलाए मुत्तक़ियान की आवाज़ कि तुम तो रोते हो बेटा हसन हुसैन मगर मुझे लेने को तुम्हारे नाना भी पहुँचे हैं और तुम्हारी नानी भी पहुँची हैं। और कभी फ़ख्र का इजहार इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज में। क्या अंदाज है मासूम का, अपना तारुफ कराते हैं, मुकाबिल की बातों को बयान करते हुए कि तू कौन और मैं कौन। तो तारुफ कराते हुए किसी की दादी हिंदा हो, किसी की नानी नहशीला हो, और क्या कहना जिसकी नानी खतीजे ताहिरा हो। और ख़ुद इमाम मुज्तबा फरमाया करते थे कि मैं सबसे ज़्यादा शबाहत रखता हूँ अपनी नानी खतीजे ताहिरा से। तो उनके नाम से आगाज़ करते हुए आज की पूरी गुफ्तगू, तफसीर कुरान भी है इंशाअल्लाह बयान में, और फिर फ़ज़ाइल खतीजे ताहिरा भी हैं। लेकिन आगाज़ में खतीजे ताहिरा की औलाद में से इमाम सैयद सज्जाद, कसम ब खुदा ये दुरूद मुकम्मल ना होता, लफ्ज़ आले मोहम्मद ना होता अगर खतीजे ताहिरा ना होती। बाकी सारी बेबियों से लफ्ज़ आल नहीं चला, घर चले तो चले मगर लफ्ज़ आल नहीं चला। लफ्ज़ आल अगर चला है तो खतीजा ताहिरा से चला है। तो आइए उसी आल मोहम्मद के अजीम फ़र्द हैं आदम अल्लाह आदम अहले बैत हैं। करबला के बाद इस्लाम को हम तक पहुँचाने वाली अजीम हस्ती। अब मुनाजात के सिलसिला वहाँ तक पहुँचा कि जहाँ पर मुनाजात नंबर 6 असादिसा, इसका नाम मुनाजात अशाकिरीन अर्राग़िबीन हो चुका, अशाकीन हो चुका, अर्राजीन हो चुका, अत्ताइबीन हो चुका इलाखर। और अब क्या है मुनाजात अशाकिरीन, शुक्र खुदा करने वालों की मुनाजात। नंबर फिर याद दिला दूँ कि नंबर 6 मुनाजात का है, ताकि अगर कोई आप में से तिलावत करना चाहे तो उसको ये याद रहे कि नंबर 6 मुनाजात आज पढ़ी गई। इस पूरी मुनाजात में इमाम ने 2 मकामात पर लफ्ज़ इलाही को इस्तेमाल किया। पूरी मुनाजात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज़ है इलाही अज़हलनी अन इक़ामते शुक्रिका तताबुअ तौलिक अजजनी अन अहसाए सनाइक फौज व फजलिक। क्या जुमले हैं मासूम के, काश कि मौका और वक्त इतना नसीब हो कि इसकी शरह पेश की जाए। हम सिर्फ तर्जुमे की हद तक, कुछ मार्फत के जुमले हासिल करने की हद तक काम कर रहे। इलाही मेरे माबूद अज़हलनी, मुझे गाफिल कर दिया। अज़हलनी मुझे गाफिल कर दिया अन इक़ामत शुक्रिक, कि मैं तेरे शुक्र के लिए खड़ा होता, क़याम करता। मुझे तेरे शुक्र के लिए क़याम करने से गाफिल कर दिया। किसने? तताबओ तौलिक, तेरे करम के तसलसुल ने। कितनी गहराई है। अच्छा ये बात है, आप गौर कीजिएगा कि इंसान अगर कभी कभी कोई नेमत पाता हो तो बड़ा शुक्र अदा करता है, और अगर वही नेमत उसको रोज़ाना मुसलसल मिलने लगे तो उसका शुक्र ज़रा सा हल्का बढ़ जाता है। चलिए माह मुबारक रमज़ान में तो मिसाल बड़ी आसान सी है कि आप कितने घंटे के बाद पानी पीते हैं? 12 घंटे नहीं, 15 घंटे का रोजा है ना आपके यहाँ, बल्कि 15 से कुछ ऊपर ही है, 15.5। तो 15.5 घंटे के बाद पानी पीते, 15.5 घंटे के बाद जो पानी पीते हैं वो पानी आपके लिए, मेरे लिए। तो रात भर पिए वो अलग मौजू है, उसमें वो बात नहीं होगी, आप खुद फील कीजिएगा, उसमें वो बात नहीं होगी। मगर जो पहला गिलास लीजिएगा उसके बाद जो तरावट अंदर तक जाएगी, बेसाख्ता आपकी जुबान शुक्र खुदा अदा कर रही होगी। तो अगर कोई नेमत फासलों से मिले, वक्फे से मिले, तो इंसान उसका शुक्र अदा करता है कि बहुत दिनों के बाद मीठा खाने को मिला, बहुत दिनों के बाद उम्दा खाने को मिला। लेकिन अगर मुसलसल मिले, सुबह शाम मिले, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो बहरहाल कभी कभी मिलने पर हुआ करती थी। तो इमाम ने इंसान को मुतवज्जे किया कि शुक्र खुदा के क़याम में, शुक्र खुदा के क़याम में गफलत लाजिम नहीं है कि इंसान की बाइसे कुफ्र हो। शुक्र खुदा के क़याम में गफलत हर मर्तबा बाइसे कुफ्र नहीं होती, बल्कि कभी कभी इंसान की कैफियत ये है तो शाकिर, है तो खुदा का शाकिर कि मुनाजात का नाम ही शाकिरीन है तो खुदा का शाकिर, काफिर नहीं है, लेकिन कहता है परवरदिगार मैं हर गिलास पर, हर पानी के गिलास पर, हर मीठा खाने पर, हर अच्छा खाने पर, हर अच्छा पहनने पर, हर अच्छी तनख्वाह पर, हर अच्छे इनाम पर तेरा शुक्र अदा करने में इसलिए गाफिल हो जाता हूँ कि शुक्र अदा कैसे करूँ, एक के बाद एक नेमत मुसलसल आ रही है। इलाही अज़हलनी, मुझे गाफिल कर दिया है, अन इक़ामत शुक्र, तेरे शुक्र के लिए क़याम करने गाफिल कर दिया मुझे। किसने? तताबओ तौलिक, तेरे करम के मुसलसल हो जाने ने। ये क्या अंदाज़ शुक्र है कि शुक्र नहीं भी है और तब भी शुक्र है। एक तरफ अल्फाज ये हैं कि आजिज़ी बयान कर रहे हैं इमाम कि शुक्र कैसे अदा करूं, और उसी में शुक्र खुदा अदा हो रहा है। वो आजज़नी अन इहसाए सनाइक, और मुझे आजिज कर दिया है कि मैं तेरी हम्दो सना को एहसा कर सकूं। किसने आजिज कर दिया? कि आजिज कर दिया है फैज़ो फजल का, तेरे फजल के करम ने, तेरे फजल के फैज़ ने आजिज कर दिया है। कितना गिनूं में। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मुझे कुछ मिला तो गिनती के काबिल है, ये 100 दिरहम हैं गिन लिए, 200 हैं, 2000 हैं, 2 लाख हैं गिन लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान गिन सकता ही नहीं। तो परवरदिगार तेरी सना को गिनूं कैसे कि तेरे फजल का फैज़ इतना ज्यादा है कि गिनती मुकम्मल हो नहीं सकती परवरदिगार। और उसके बाद इमाम ने खुदा को मुखातिब करते हुए इंसान को समझाया कैसे कहो, अंतर रऊफ अर्रहीम अलबर अलकरीम ला युखय्यिबु कासिदीही, तू ऐसा परवरदिगार है, मेहरबान भी है, रहीम भी है, नेकियों का मरकज भी है और लुत्फ़ो करम करने वाला मेहरबान भी है। परवरदिगार तू अपने किसी कासिद को नाकाम व नामुराद नहीं लौटाता। फिर इमाम फरमाते हैं वाला तुलबिसना, परवरदिगार मुझे लिबास ना पहनाना, सिरबाल, सिरबाल कहते हैं लिबास को, तुलबिसना लिबास के ही माना में है, मुझे लिबास ना पहनाना। कौन सा सिरबाल? अलकुनूत वल इबलास, मायूसी और नाउमदी का लिबास ना पहना देना। परवरदिगार मैं तुझसे उम्मीद लगाए हुए हूँ, मुझे मायूसी का लिबास ना पहना देना। परवरदिगार की बारगाह में इमाम के इन जुमलों से शुक्र की कैफियत ज़रा सी वाज़े हुई कि इंसान को किस तरह शुक्र खुदा अदा करना चाहिए। वाक़ियन एक एक सांस शुक्र खुदा, और ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ये भी शुक्र ही खुदा तो है, वरना कितने लोग हैं जो माह रमज़ान भी पाते हैं, कुरान भी पाते हैं, मगर खतीजा की मोहब्बत नहीं पाते। कितने लोग हैं जो माह रमज़ान भी पाते हैं, कुरान भी पाते हैं, मगर वारिस कुरान का दामन नहीं पाते। तो हमें तो खुदा ने माह रमज़ान भी अता किया, फिर कुरान भी अता किया, फिर वारिस कुरान का दामन भी अता किया। तो शुक्र बालाए शुक्र है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात पढ़ लीजिए। तो अजीज़ान मोहतरम, सूरह मुबारक माइदा से इस्तिफादा करते हुए जो कल आयत तिलावत की थी उससे पहले भी तिलावत हुई मगर अभी तक उसका पूरा मरहला तफसीर मुकम्मल नहीं हो सका। उसमें जो अल्फाज हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए साहिबान ईमान इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का ख्याल करो, अल्लाह की परवाह करो, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला। और हम बयान कर चुके किताब वफ़ाउल वफ़ा का हवाला अल्लामा समहोदी इस किताब में तीन वसीलों का अंदाज बयान करते हैं। वसीला रसूल खुदा की ज़ात उनकी विलादत से पहले यानी आमद से पहले हज़रत आदम अला नबीना वालहिस्सलाम अपने तर्क औला के लिए किताब का हवाला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा ग़फ़रत ली। अभी आले मोहम्मद की बात नहीं हो रही, अभी तो खुद मसला ख़त्मिये मर्तबत पर रुका हुआ है। मुसलमान मुस्तफ़ा कोई वसीला नहीं जान रहा तो आल को क्या समझेगा? आल को वो समझे जो मुस्तफ़ा को समझे। अभी फिलहाल तो इस किताब के हवाले से बात हो रही है पैगंबर की अपनी ज़ात के हवाले से। हज़रत आदम तर्क औला के उन्वान से जब तौबा कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था जो खुदा ने आपकी तौबा कबूल की कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, परवरदिगार तुझे मोहम्मद के हक़ का वास्ता, या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बे मुहम्मदिन, मोहम्मद की ज़ात का वास्ता, क्या कर दे, लमा ग़फ़रतली, कि तू मुझे बख्श दे। और खुदा ने बख्श दिया, खुदा ने बख्श दिया। अगर अम्बिया वसीला बनाएं ख़त्मिय मरतबत को तो खुदा उनके तर्क औला को बख्श दे, और अगर उम्मतें मुस्तफ़ा को वसीला बनाएं तो खुदा उम्मतों के गुनाहों को बख्श दे। अभी बहुत दूर है। और जनाब आदम की बात आई है और जनाब खतीजा ताहिरा के उन्वान से सबसे पहले किस इंसान ने हज़रत खतीजा ताहिरा को याद किया? कायनात का वो पहला इंसान, पहला बशर जिसको लफ्ज़ आदम के साथ याद किया गया। आदम अल्लाह के नबी, सबसे पहले हज़रत खतीजा ताहिरा को आपने याद किया। और किस उन्वान से याद किया कि जब दो ही फर्द हैं आदम और हव्वा, आदम और हव्वा, तो याद कर रहे हैं आदम कि खुदा ने मेरी औलाद में खत्मिय मर्तबत को रखा, मुझसे तरके औला हो सकता है मगर वो मेरा फर्जंद मेरी ही औलाद से खत्मिय मर्तबत इतना बुलंद कि मुझसे भी बुलंद, उससे तरके औला की भी गुंजाइश नहीं है। तो क्या रश्क है, क्या रश्क है हज़रत आदम का ख़त्मिय मरतबत के लिए। फिर फरमाते हैं कि खुदा ने मेरे उस फर्जंद को, अम्बिया के सरदार को, जो शरीक हयात अता फरमाई, और मेरी हव्वा से बहुत बेहतर। अल्लाह अकबर। जब आदम और हव्वा, तो फिर हो खातम, तो खातम जैसी हो खतीजा। फाक है भाई कुफ का मसला, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब खतीजा ताहिरा को याद किया, जनाब खत्मी के मरतबत के साथ साथ याद करते हुए वसीले के उन्वान से भी आपकी बात मुकम्मल हो रही है। तो हजरत रसूल खुदा की दुनिया में आमद से पहले वसीला बनाने की रिवायत बरादराने अहले सुन्नत के यहां मौजूद है। जब पैगंबर नहीं आए थे तब भी वसीला थे, जब पैगंबर आ गए और एक नाबीना शख्स ने आकर पैगंबर से आपके जमाने हीने हयात में कह दिया या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूं, को दुआ बता दीजिए। फरमाए पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु बिका, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूं और मैं तवज्जोह करता हूं तेरी तरफ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, किसके जरिए से, बेनबी का मोहम्मद इन नबी रहमा, तेरे पैगंबर मुस्तफ़ा का वास्ता, वो अतवज्जह बिका या मोहम्मद, अतवज्जह बिका, मैं आपके जरिए से तवज्जो करता हूं, इला रब्बी, अपने रब की तरफ, क्या आप सिफारिश कर दीजिए, फी हाजती ले तक़ज़िया, मेरी हाजात के बारे में, ताकि पूरी हो जाएं, अल्लाहुम्मा शफ़िउली, परवरदिगार तू नबी को मेरे लिए शफी बना दे। नबी ने खुद सिखाया कि ऐसे मांगो दुआ, ऐसे मांगो दुआ, तो दुआ उसने मांगी, पैगंबर सामने बैठे हुए दुआ मांगी, आंखें नाबीना थीं, बीनाई वापस आ गई। तो वसीला है पैगंबर की जात, दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आने के बाद, और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। और उसके हवाले से हजरत उस्मान का ज़माने खिलाफत है और हजरत बिलाल हबशी कब्र पैगंबर पर पहुंचे और कब्र पैगंबर पर पहुंचकर कहते हैं बारिश की दुआ कैसे मांगी जाए। लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, वो अपने मकाम पर है। बिलाल ने सिखाया कि देखो अगर बारिश न हो तो या तो तुम्हारी नमाज इस काबिल हो जाए कि तुम इस्तिस्का करो, खुदा पानी बरसा दे, वरना आओ वसीला मुस्तफ़ा की ज़ात है। कब्र पैगंबर पर आकर पैगंबर से मुखातिब हुए, या नबी अल्लाह इस्तस्कील उम्मतिक, नबी अपनी उम्मत को पानी पिला दी, ए अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को शराब कर दीजिए। और जनाब बिलाल की दुआ खुदा ने ऐसी कबूल की कि ख़त्मिये मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बारिश न हुई। बहरहाल बिल्कुल दुआए तवस्सुल के जुमले से मुशाबे जुमले रसूल खुदा की वफात के बाद भी एक शख्स ने अपनी हाजत में रखे थे और खुदा ने उसकी हाजत को पूरा कर दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु बिका इला नबिय्यिका नबिय्युर रहमा, और पैगंबर को वसीला बनाया और दुआ कबूल हो गई। तो वसीला वब्तगू इलैहिल वसीला, आयत भी कहती है वसीला बनाइए। खुदा ने क्या वसीला समझाया, वाकयन लफ्ज अबतर से अताए कौसर तक वसीला कौन है। अबतर के लफ्ज से अताए कौसर तक वसीला कौन है, कासिम की माँ कौन है, ताहिर की माँ कौन है, रसूल के सुकून पहुंचाने वाली कौन है। वसीला तो बनाना चाहिए ना, तो खुदा ने वसीला बनाया फातिमा जहरा के लिए खतीजे ताहिरा को, और ऐसा वसीला बनाया कि अगर तारीख जनाब खतीजे ताहिरा के उन्वान से, आइए आज जनाब खतीजे ताहिरा के कुछ इबादात के बारे में, पहली बात तो याद दिला दूँ, खतीजे ताहिरा की इबादत, सबसे पहली इबादत आपके जज्बे सखावत, इतनी सखी और इतनी करीम खातून कि रसूल फरमाते कि जब तक कोई ताल्लुक निकाह का नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता कायम नहीं हुआ, मुलाजिमत वाली बात है, आप काम करते हैं, उजरत दी जाती है, उसके बावजूद जब उनके गुलाम काम से लौट के वापस आते थे तो गरम गरम खाना तैयार करके गुलामों को खिलाया जाता था। यानी ये ऐसी कैफियत है। मक्कातुल मुकर्रमा में एक बाकायदा इमारत थी जो कुछ अरसा पहले गिरा दी गई। उस इमारत को बड़े अरसे तक हमने देखा, मक्के में जाते जाते बंद रहती थी। अंदाज से लगता था जैसे कोई मदरसा या स्कूल हो। बाद में उलमा ने बताया कि ये इमारत वक्फ है खतीजा ताहिरा के नाम से आज तक। और इस इमारत में यानी इस ज़मीन पर जब इमारत बनाई गई, खतीजे ताहिरा के ज़माने में दस्तरखान बिछाए जाते थे। आज हम देखते हैं कि बाज़ इलाक़ों में बड़े कुछ तारीख़ी दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। कोई मिस्र की बात कर रहा है कि 5.5 किलोमीटर तवील दस्तरखान लगाया गया अफ्तार करवाने के लिए। ये 5.5 किलोमीटर का दस्तरखान तो बाद में देखना, आओ नजफ़ से करबला तक हुसैन का दस्तरखान देखो। हर कदम पर सबील है, हर कदम पर ने सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपकी इबादत का एक अंदाज सखावत और इतनी सखी। हालांकि मैं समझता हूँ जो जितना अमीर होता है आमतौर पर वो इतना सखी नहीं होता, इस्तिस्ना है, ये अपने मकाम पर है। आमतौर पर जो जितना अमीर होता है उतना सखी नहीं होता। सखी हो तो अमीर कैसे होगा? क्या मतलब कि अगर सब कुछ लुटा देगा तो अमीर कैसे बनेगा? कुछ रोकेगा तो अमीर बनेगा। क्या कहना, तो लुटा कर भी अमीर हों, सूखी रोटी खाकर भी अमीर हों। अरे उसी की सास को तो खतीजा कहते हैं। क्या मर्तबा है, अल्लाह अकबर। कायनात में किसी को पूरे मक्के में आपकी शान। खाना खिलाने में खतीजे ताहिरा सबसे बुलंद नाम, करीम, सखी, खातून। उसके बाद आपकी आमाल और इबादत में एक बहुत ख़ास जुमला, शायद आप में से किसी को याद हो, इससे पहले मैं शायद बयान किया हो, दोहराता हूँ कि एक मरतबा गालिबन सिंध हाई कोर्ट की बात, किसी ने केस दायर कर दिया था कि जो अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहते हो, ये कलमे में आपको शामिल किया हुआ है, ये साबित करो कहां लिखा हुआ है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो आप पढ़ते हो आखिर में अली वलीउल्लाह, कहां लिखा हुआ है? और ये मेरी पैदाइश से पहले की बातें हैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, यानी तकरीबन 55 साल पहले की बात है। और उस ज़माने के खतीब और उलमा, अल्लामा रशीद तुराबी का ज़माना आखिर का था या अकील तुराबी मौजूद थे, उस ज़माने की बात है। तो बहरहाल केस जब कोर्ट में आगे बढ़ा और एक के बाद एक खतीब आता है, वो तकरीर करता है, जज कहता है मुझे तकरीर नहीं सुननी, खिताबत नहीं कीजिए। खिताबत तो चलती है इमाम बारगाहों में, यहाँ तो आप लाइए दलील। तो एक ऐसी आलिम शख्सियत ने दलील पेश की थी। एक किताब का नाम रियाहैन अश्शरिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 209, और पूरी तशय्यो को उस वक्त कराची के हालात के एतबार से जवाब नहीं मिल रहा था कि अपनी किताब से साबित कर सकते हैं अली वलीउल्लाह, किसी ऐसी किताब से साबित करें जिसका इनकार कोई मुसलमान ना कर सके। वैसे तो अलग बात है, जो इनकार करने वाले हैं वो कुरान पढ़कर भी इनकार ही करते। तो रियाहैन अश्शरिया, किताब का नाम रियाहैन अश्शरिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 209, उस पर वो रिवायत मौजूद है कि जब पूछा गया जनाब खतीजे ताहिरा से कि ये तो बताएं आप किस अकीदे पर इस्लाम लाई थी, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून, सबसे पहले रसूल पर ईमान लाने वाली खातून, तो सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ? खतीजा ताहिरा ने जो कलमा पढ़ा वो कलमा क्या था? वहां जाकर किताब से साबित हुआ कि खतीजा ताहिरा फरमाती हैं मैंने रसूल के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया 3 अकायद के एतबार से, खुदा की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत और अली की विलायत पर। अल्लाह हु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह मजीसी लहर रहमान ने किताब बिहार में इसका हवाला दिया है और तशरीफ़ फरमाई है कि तौहीद और अदालत और रिसालत और विलायत और इमामत और माद इन सब पर जनाब खतीजा ताहिरा ने जब रसूल की नुसरत और इस्लाम का इजहार फरमाया तो इन तमाम अकायद पर आपने इजहार इस्लाम फरमाया था। उसमें माद भी शामिल है, अदालत भी शामिल है और इमामत भी शामिल है, तौहीद और रिसालत के साथ साथ। और उसके बाद फिर वो रिवायत वहाँ तक पहुँची जहाँ बाकायदा लिखे गए मुकालजात कि अव्वलीन शिया अली कौन है। तारीख में सबसे पहली शख्सियत शियाने अली की कौन है, तो कहा खतीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा पहली शख्सियत। अभी अभी गदीर नहीं आया, अभी गदीर में ऐलान नहीं आया, अभी इमामत विलायत का उन्वान नहीं आया, मगर अल्लाह के रसूल ने खतीजा ताहिरा को अपने घर में मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए तो फरमाया कि हुआ ये जो आया है ना ये मौला की तेरा मौला है और मौलल मोमिनीन वल मोमिनात मिन बादी और मेरे बाद तमाम मोमिनीन मोमिनात का मौला है। तो गदीर खुम था सबके लिए, अली वली था खतीजा के लिए भी। तो खतीजा ताहिरा अव्वलीन शिया अली इब्न अबी तालिब, खतीजा ताहिरा सबसे पहले जो इजहार इस्लाम फरमाया तो तीन कलमे मुकम्मल किए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीयुन। ठीक, अकायद के बाब, अकायद के बाब में, आपके आमाल के बाब में, आपकी दुआओं के बाब में, आपकी दो दुआएं हिर्स के नाम से सैयद इब्न ताऊस ने अपनी दुआओं की किताब में तालीम फरमाई है कि ये दो हिर्स जनाबे खतीजे ताहिरा के, एक या अल्लाह हो या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब। क्या जुमले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हो या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब, ये चार जुमले, ये चार खुदा के नाम बीबी खतीजा ताहिरा के हिर्ज़ में शामिल हैं। उसके बाद एक हिर्ज़ आपका और है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या क़य्यूम, बिर्रहमतिका अस्तगीस फ़अग़िस्नी वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन अबदा व अस्लिह ली शानी कुल्लहू। बाद में इसी हिर्स को सहीफ़े फातिमा ज़हरा में जनाब सैयदा के नाम से भी बयान किया गया। लेकिन सैयद इब्न ताऊस, खाली एक फ़र्क है, जनाब सैयदा के हिर्स में और दुआ में आबदन लिखा हुआ नहीं है। खतीजा ताहिरा के हिर्स में लफ्ज़ आबदन मौजूद है। तर्जुमा, या हय्यो या क़य्यूम, ए हय और ए क़य्यूम, बर्रहमतिका अस्तगीस, तुझको तेरी रहमत का वास्ता फरियाद रसी फरमा, अस्तगीस मैं तुझसे फरियाद तलब करता हूँ, फ़अग़िस्नी बस मेरी फरियाद को सुन ले, फरियाद रसी फरमा दे, वला तकिलनी इला नफ्सी और मेरे वजूद को मेरे नफ्स के सुपुर्द मत करना, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तरफत आइनिन एक पलक झपकने के वक्त के लिए भी, आबादा कभी भी ऐसा ना हो, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, भूख हो अफलास हो, पैसे हो दौलत हो, कभी मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना। वह असलहली शानी कुल्लहू मेरे तमाम मामलात की इस्लाह फरमा देना, जनाब खतीजे ताहिरा के दो हिर्स। और अब जनाब खतीजे ताहिरा को सलाम करने का अंदाज इंशाल्लाह खुदा नसीब करे, जन्नतुल माला में कब्र खतीजे ताहिरा की ज़ियारत, गरीब कब्रिस्तान है, इतना गरीब है कि शायद जन्नतुल बक़ी से भी ज़्यादा मज़लूम है कि बहरहाल जन्नतुल बक़ी खोला जाता है और वहाँ के नक्शे दस्तयाब हैं। कम से कम एक अंदाजे की हद तक तो लोग पहचान लेते हैं कि कब्र फातिमा बिन्ते असद कहाँ, कब्र उम्मुल बनीन कहाँ, या कब्र जनाब इब्राहीम इब्न रसूल खुदा कहाँ, या कब्र आइम्मा अरबा फिल बक़ी कहाँ। लेकिन बहुत तलाश के बाद भी कोई ऐसा नक्शा नहीं मिलता। जो जन्नतुल माला के अंदर जो कबूर हैं ख़ानदान अहले बैत की, उनकी वजाहत कर दे। इल्ला शज़्ज़ा व नदर, लगा हुआ ग्रीन कलर का गेट उस कब्रिस्तान के अहाते के साथ मेरी मालूमात के लिहाज से साल में एक मरतबा खुलता है, और वो मखसूस ईद उल फित्र के दिन में खुलता है। और सिर्फ जो अशराफ हैं मक्के के, जो कबाइल हैं ख़ास, उनको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। बाकी पूरे साल हुज्जाज जाएँ, मोतमरीन जाएँ, ज़ायरीन जाएँ, कब्र खतीजे ताहिरा तक रसाई मुमकिन नहीं है। सलाम का अंदाज़ क्या है खतीजे ताहिरा के लिए? अस्सलाम वालेकुम, किस तरह सलाम पेश किया जाए? आप पर सलाम हो। कौन? जनाब खतीजे ताहिरा। अनफ़क़त मा लहा फ़ी नुसरत सय्यदिल अंबिया, जिसने अपने माल का इन्फ़ाक़ कर दिया अंबिया के सरदार की नुसरत के लिए। व नसरतहु मस्तताअत, और इतनी नुसरत की, इतनी नुसरत की जितनी इस्तिताअत खतीजा के बदन में थी। नसरतहु मस्तताअत, अल्लाहु अकबर। वदाफ़अत अनहुल आदा, और खतीजा ताहिरा ने पैगंबर के दुश्मनों को उनसे दूर किया। कोई रिवायत है ऐसी? यह तो बहुत बार सुना हमने कि जी माल अपना कुर्बान कर दिया, माल आपके इख्तियार में दिया, आपके लिए सब कुछ फराहम किया, लेकिन क्या पैगंबर की हिफाजत भी की है? जी। कब का वाक़या है? यह वाक़या उस वक्त का है जबकि मक्कातुल मुकर्रमा और अल्लाह के रसूल ने पहली मरतबा ऐलान किया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, और अबू जहल ने पत्थर पैगंबर को मारा, और अबू जहल की देखा देखी। किताब का हवाला खतीजतुल कुबरा, मुअल्लिफ का नाम मोहम्मदी इश्तिहारदी। पैगंबर पर पत्थर अबू जहल ने मारा और उसको देखा देखी बाकी और काफिरों ने भी पैगंबर को अजियत पहुंचाई। यहां तक कि पैगंबर वहां से हटकर एक पहाड़ के किनारे पर जाकर बैठ गए। पेशानी से खून बहता था, आप जख्मी हो चुके थे। मौलाए कायनात दरे खतीजे ताहिरा पर बीवी को साथ लिया, कुछ साथ में सामान लिया, कुछ खिलाने के लिए, कुछ पिलाने के लिए, जख्म को धोने के लिए, साथ साथ चले। जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो इमाम फरमाते हैं बीवी से कि आप जाइए इस तरफ, हम जाते हैं इस तरफ, तलाश करते हैं। दोनों तलाश कर रहे रसूल खुदा को। जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, और जिब्राइल अमीन नाजिल होकर पैगंबर को सलाम पहुंचाया। आपके बैठने के लिए जन्नत से लाया गया कालीन रखा गया, आप इस पे बैठिए। पत्थर पे बैठे हुए फरिश्ते जमात की जमात हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, अभी अगर इशारा कर दें इस कौम कुफ्फार को नीस तो नाबूद कर दें। आप फरमाते थे मुझे और मेरी कौम को छोड़ दो, मैं इनकी हिदायत के लिए आया हूं। फरिश्तों को आपने जवाब, जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, खतीजा आपके लिए रो रही हैं और आपको याद कर रही हैं, वो आपको तलाश कर रही हैं। पैगंबर खड़े हुए, पैगंबर ने आवाज़ दी खतीजा ताहिरा को, और खुदा ने इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाया। खतीजा पलक झपकने में पैगंबर के पास पहुंची, और आपकी पेशानी से खून टपकते हुए देखा पैगंबर अपनी चादर में अपने हाथ पर खून के कतलात लेते हैं, ज़मीन पे गिरने नहीं देते। ज़ारो कतार रोते रोते खतीजे ताहिरा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इतनी जहमत कर रहे हैं, खून को ज़मीन पे गिरने दीजिए। रसूल खुदा फरमाते हैं, मुझे इस बात से खौफ है कहीं मेरा खून ज़मीन पे गिरे तो खुदा की तरफ से कोई अज़ाब नाजिल ना हो जाए इस कौम के लिए। इस जख्मी हालत में खतीजा ताहिरा मौलाए कायनात भी पहुंचे और रसूल खुदा को लेकर घर में आए और ऐसे रास्तों से लेकर पहुंचे कि जहां काफिर रास्ते में जमा ना हो। जब घर पहुंच गए, घर पक्का बना हुआ था, पक्के पत्थरों का पक्की लकड़ी की छत थी। पैगंबर को ले जाकर बिस्तर पे लेटाया बीबी ने। उसके बाद भी काफिर घर तक पहुंचे और इतना पथराव किया घर पर, खतीजा ताहिरा के घर पे काफिरों ने पथराव किया, लेकिन क्योंकि दीवारें मजबूत हैं, छत मजबूत है, अलबत्ता जो हिस्सा दरवाजे का कहा जा सकता था वहां से पत्थर आते थे। जनाब खतीजा दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, पत्थरों को रोकती थीं, अपने वजूद पे लेती थीं, फिर रो के फरमाती थीं कि क्या तुम एक आज़ाद औरत को उसके घर में संसार कर दोगे। इस जुमले की संगीनी बताती कि इतने पत्थर मारे गए थे। संसार करना किसे कहते हैं? जो पत्थरों में जख्म की शिद्दत से मर जाए या इतने मारे जाए कि पत्थरों में छुप जाए। इतने पत्थर खाए खतीजा ताहिरा ने और रसूल खुदा पर किसी पत्थर को फिर आने ना दिया। ये बीबी की वो कैफियत जो ज़ियारत का जुमला वदाफ़अत अनहुल आदा, सलाम हो आप पर कि आपने रसूल खुदा के दुश्मनों को उनसे दूर किया। 25 साल गुजारे पैगंबर के साथ और 25 साल के इस मुसलसल दौरानिए में मैंने कल भी इशारा किया था जाते जाते कि वाकयन मेराज का मसला हो, पहली वही का मसला हो, पैगंबर आकर फरमाते हो ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे उड़ाओ कमली, मुझे उड़ाओ कम्बल यानी चादर, दस्सिरूनी व ज़म्मिलूनी, और मुस्कुराकर खतीजा इस्तकबाल करें और मुबारकबाद पेश करें, आप पर ईमान का इजहार करें। कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर। सबसे मुश्किल वक्त था पैगंबर के लिए कि वही नाजिल हुई है, कौन समझेगा वही को। आप फरमा रहे हैं मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कम्बल उड़ा दो। तो अजीजा ने मोहतरम जनाब खतीजा ने वो वक्त भी, और उसके बाद एक जुमला और कह दूं आपकी खिदमत में, बहरहाल शायद इसका एहसास हो जाए। जबल नूर, इसको जबल कुरान भी कहा जाता है, गारे हिरा, जो लोग मक्के गए हैं कभी शायद वो ऊपर भी गए हों। 2.5 घंटा लगता है जाने में। कितना? 2.5 घंटा। आज के दौर में जबकि सीढ़ियों की शक्ल पत्थरों को जोड़ जोड़ के बाद मकामात पर आसानी पैदा कर दी गई है। आज कोई मर्द हाथ में पानी की बोतल ले और फिर ऊपर जाए, 2.5 घंटे में पहुंचता है, और ऊपर से नीचे आए तब भी उसको तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। इसलिए कि नीचे उतरने में ज़रा ज़मीन की कशिश भी इंसान को आसानी फराहम करती, उतरता भी है। लेकिन उस ज़माने में जबकि कोई पत्थरों में आसानी न थी, पहाड़ संगलाख था। सलाम व खतीजा ताहिरा पर रसूल की खिदमत में 2 टाइम का खाना लेकर ऊपर जाती थी। शायद इस सख्ती को सख्ती कहकर आज हम समझ रहे हैं, मगर वो इश्क मुस्तफ़ा की कैफियत थी कि खतीजा के लिए कोई जहमत न थी बल्कि रहमत थी। खुद पैगंबर की खिदमत और फिर मेराज उलमाए तशय्यो का जुमला एक एतबार से तो बहरहाल मेराज आपको कहाँ से हुई? जनाब उम्मे हानी के घर से। एक रिवायत ये कि आपको मेराज खतीजा ताहिरा के घर से हुई, वहाँ से गए थे और वहीं पर आए थे। और वहाँ जो पैगाम खुदा ने दिया था वो क्या था? जिब्राइल अमीन नाजिल हुए थे मरतबा पहाड़ पर, जबल नूर पर, गार हिरा पर। पैगंबर को सलाम पेश किया और पैगंबर से कहते हैं, जब पैगंबर ने सवाल किया जिब्राइल कोई हाजत रखते हो तो बयान करो। जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी एक हाजत है, उसे पूरा कर दीजिए। क्या हाजत है? कि अभी आपके लिए रोटी लेकर खतीजा आ रही हैं, मेरा सलाम उन्हें कह दीजिएगा। सल्लमहा जिब्राइल, जिसको जिब्राइल ने सलाम भेजा वो खतीजा। वबल्लगह सलाम मिनल्लाहिल जलील, और खुद खुदा ने सलाम भिजवाया। उस रात को खतीजा कहते थे। कोई उम्मती सलाम करे ना करे, कोई खतीजा की कब्र पर जाए कि ना जाए, मगर खुदा ने भी सलाम भेजा है और जिब्राइल ने भी सलाम भेजा है। लाखों दुरूद हों और लाखों सलाम हों खतीजा ताहिरा पर। ठीक, जिंदगी कैसे मुकम्मल हो गई बीबी की। 25 साल, और 25 साल में आपने जो गम देखा है वो गम कौन सा है? एक कासिम का इंतकाल, एक ताहिर का इंतकाल, एक बच्चा 7 साल की उम्र में, बास कहते हैं 4 साल की उम्र में, और एक ज़माने शीर ख्वारगी में 2 शहजादों का इंतकाल जनाब खतीजा ताहिरा के। बहुत रोती थीं। अल्लाह के रसूल समझाते थे कि खतीजा क्या तुम इस बात पर मुतमईन नहीं हो कि जब तुम क़यामत के दिन पहुँचो तो तुम्हारा ये जाने वाला शहजादा तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें जन्नत में बुलंद मकाम पर ले जाए। कासिम की मैयत रखी है, पैगंबर रोते और पहाड़ के किनारे को देख के फरमाते हैं, अगर ये गम जो मुझ पे पड़ा है पहाड़ तुझ पे पड़ता तो तू रेजा रेजा हो जाता। क्या मतलब? कासिम रसूल खुदा की औलाद, खतीजा ताहिरा से इंतकाल हो गया और खुदा ने फिर एक ऐसी बेटी अता की, ऐसी बेटी अता की जो कायनात में किसी माँ को अता न की। अजीज़ान मोहतरम, जनाब खतीजा ताहिरा की खिदमत पर आज की गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए कि 25 साल और बेसत का 10वां बरस माह रमज़ान की 10 तारीख जनाब खतीजा ताहिरा और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद पैगंबर किस तरह गमगीन हुए थे। आपकी हालत क्या थी? कि फिर गुजरते हुए एक गली से काफिरों ने पूरा कचरा बर्तन भरा हुआ पैगंबर पर डाल दिया था। पैगंबर घर में आए हैं, लेकिन घर में चारों तरफ देखा खतीजा नहीं थी। रोने लगे। खतीजा की बेटी फातिमा आगे बढ़ी, अपने बाबा के सर को झुका लिया, अपनी माँ की तरह बर्तन को ला के रखा, बाबा के सर को धोती जाती है बेटी और रोती जाती है। ये तरबियत है खतीजा ताहिरा की। माँ को देखा था करते हुए, इस्मत अपने मकाम पर, तहारत अपने मकाम पर, लेकिन खतीजा की वफा का अंदाज तो आया है ना। अपने बाप के सर को धो रही हैं। कौन? फातिमा जहरा। और आज फिर मसाइब ताज़ियत पेश करना है ना। इस वर्षअदा पर कोई बेटी अपनी माँ के पुरसे के लिए आई होगी। मुझे हैरत होती है कि एक रात मजलिस में आकर समझते हैं बस तमाम हो गया मसला। कसम ब खुदा अगर अगर आइम्माए मासूमीन का ज़माना हम देखते तो करबला जाने से पहले मौला हुसैन जब मक्के में थे रोज़ कब्र खतीजा पर जाते थे और इतना रोते थे खुदा से ऐसी मुनाजात करते थे। अल्लाहु अकबर। वो उसी मकाम का वाक़या है जब इमाम ने खुदा को पुकारा और वहाँ से जवाब फिजाओं में मुनादी गैब का सुनाई भी दिया, लब्बैक या अब्दी व अंत फी कनफी। सुनने वाला परेशान हो गया, आवाज़ कहाँ से आती? यानी कब्र खतीजे ताहरा मकाम कबूलियत दुआ, मकाम मुनाजात हुसैन और मजलिस से खतीजे ताहरा मकाम कबूलियत दुआ है। कोई तो फातिमा जहरा की माँ को वसीला बनाकर मांगने आया हो आज? नहीं। रोने वालों, हम हक अदा नहीं कर रहे। अपनी माँ मर जाए तो क्या एक रात रोकर चुप हो जाते हो? अपनी माँ का जनाजा रखा हुआ हो। अल्लाहु अकबर। हुक्म है ना कि अगर कोई तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो अपनी माँ की कब्र पर जाओ और जाकर फिर दुआ करो कि माँ की कब्र मकाम कबूलियत है दुआ में। लेकिन मातमदारों, खतीजे ताहिरा नहीं हैं, रुखसत हुई हैं। आज पहली रात है कि फातिमा बगैर माँ के सोई। आज पहली रात है, वो गुर्बत की रात है, वो यतीमी फातिमा जहरा की रात है, वो बेहतरीन माँ से जुदाई के बाद पहली रात है। जब बाबा दफना के वापस आए थे ना तो क़यामत का वक्त था। बाज़ उलमा इस तरह रिवायत को पढ़ते हैं कि बच्ची ने बाबा के दामन को थाम लिया और थाम कर कहती है, बाबा मेरी माँ को कहाँ छोड़ कर आ गए? और जुमला याद है ना जुमला कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वफात का वक्त हुआ, शहादत है ना बीबी की, तो शहजादों से जनाब अस्मा ने कह दिया था ना कि शहजादों खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। बच्चे कहते थे, अस्मा कभी ऐसा हुआ है कि हमने माँ के बगैर खाना खा लिया हो? अस्मा बताइए मादरे गिरामी कहाँ हैं? अस्मा कैसे बताएं कि माँ दुनिया से रुखसत हो गई? ये 5 साला शहजादी बाबा के दामन को थाम कर कहती, बाबा ना मैं पानी पीऊंगी ना मैं खाना खाऊंगी, मुझे बताइए मेरी माँ को कहाँ छोड़ कर आए? मेरी माँ का मकाम क्या होगा? खुदा ने जिब्राइल अमीन को भेजा, सलाम भेजा, खतीजा के मकाम का ऐलान भेजा। हाजिरों को मल्लाह, मातमदारों, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, पैगम्बर खुदा की खदमत में आए, आके सलाम पेश किया, फिर फातिमा पे सलाम पेश किया, फिर बताया, कहिए फातिमा से कहिए इसकी माँ के लिए हमने बुलंद मकाम रखा है, हाजरा के मकाम के साथ बुलंद मकाम रखा है, बड़ा उम्दा महल अता किया है। हाय फातिमा जहरा। रोने वालों, अगर समझ सकें गम को समझिएगा। अब आज की रात वो थी ना जब पैगंबर ने बेटी को बिठाया होगा, अपने हाथ से रोटी को तोड़ा होगा, अपने हाथ से बेटी को खाना खिलाया होगा। कितना रोए होंगे खतीजा को याद करके, वाह गुर्बता या रसूल अल्लाह। अपने हाथों से खतीजा को कब्र में उतारा, अपना लिबास वही बतौर कफन के दिया और अब बेटी को सदला दे रहे हैं। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे हाय आपकी बेटी को आपने दिलासा दिया। माँ का जनाजा फातिमा का तैयार करके रवाना हुआ, लेकिन जरा मदीने में देखिए हुसैन की माँ का जनाजा होगा। हुसैन खड़े होकर कहेंगे, बाबा माँ बुलाती क्यों नहीं? सैयदा के बंदे कफन टूटेंगे, आ मेरे लाल तुझे तेरी माँ। मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। बहरला वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का परवरदिगार जनाब खतीजा ताहिरा का वास्ता परवरदिगार बीबी खतीजा ताहिरा की बरकतें तमाम तर उनकी मोहब्बतों का वास्ता परवरदिगार तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार अपनी माँ की कब्र पर जाए तो इंसान की दुआ कबूल होती है। मोमिनीन की माँ, मोमिनात की माँ खतीजा ताहिरा परवरदिगार जो अब तक दुआएँ कबूल नहीं हुई हैं, मुश्किलात हैं, रोज़गार की परेशानी है, कारोबार की मुश्किलात हैं, परवरदिगार तमाम मुश्किलात परेशानियाँ बहक़्क़ उम्मे फ़ातिमा ज़हरा दूर फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार जहाँ जहाँ साहिबान ईमान आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार कोई गम ना दे सिवाय गम आले रसूल के। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम बीमार मोमिनीन मोमिनात तमाम ज़ख्मी हो जाने वालों को शिफाए कामिला अता फरमा। ख़ास तौर से इस फ़र्श अज़ा पर जो आए हैं सेहत याबी की तमन्ना लिए हुए मुजफ्फ़र साहब ख़ास तौर से आपकी दुआओं के मोहताज हैं, परवरदिगार उनको भी और तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का खतीजा ताहिरा ने जैसे नुसरत रसूल का हक़ अदा किया, जैसे मौलाए कायनात की विलायत का हक़ अदा किया, परवरदिगार हमें अपने ज़माने के इमाम के नासिरों में शामिल फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मौलाए मुत्तक़ियान का वास्ता परवरदिगार ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को, हमारे आबा व अजदाद, ज़ुर्रियत व औलाद को इमाम के ग़ुलामों में शामिल फरमा। एक मरतबा सूरह अल्हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की इल्तमास आज की अफ्तार का अहतमाम नायानी फैमिली की जानिब से था। उनके मरहूमीन बरकत अली नायानी, तुराब अली नायानी, मुमताज़ बानो नायानी, रज़िया बानो नायानी और अफजल नायानी, निसारी नायानी, वज़ीर नायानी के ख़ानदान और मरहूमीन के लिए और रोशन अली लैलानी मैदवी फैमिली के मरहूमीन के लिए, काज़िम रज़ा इब्न अनवर सिपारी वाला फैमिली और सैयद अमानत हुसैन इब्न मोहम्मद अली, नजमा खातून बिनते सैयद दिलावर रज़ा और सैयद ज़ियाउल हसन नक़वी मरहूम को याद फरमाते हुए साल फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नमाज वशत कब्र की इल्तमास से 3 नाम हमारे पास हैं, सैयद अमानत हुसैन इब्न मोहम्मद अली, नजमा खातून बिनते सैयद दिलावर रज़ा और सैयद ज़ियाउल हसन नक़वी इब्न सैयद नवाजिश अली नक़वी। इस सवाल का जवाब सुन लीजिए, क्या एक नमाज वशत कब्र में एक से ज़्यादा मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ की जा सकती है? जवाब, वैसे तो ये नमाज एक के लिए बयान हुई है, लेकिन एक से ज़्यादा इसमें नाम लेने में किसी रिवायत में ममानियत वारिद नहीं हुई। यानी गोया ख़ुलासा ये कि अगर एक नमाज वशत कब्र पढ़ने के बाद हम नमाज के बाद कहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अस्सवाबा इला क़ुबूर फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाना बिनते फ़लाँ या फ़लाँ बिन फ़लाँ, इस तरह करके सवाब पहुँचाया जा सकता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। and